रूमरिंग्स के रिटर्न आने का इंतजार WWE फैंस को काफी टाइम से, लेकिन इससे भी बड़ा इंतजार WWE फैंस को ये जानने में कि रूमरिंग्स अगर रिटर्न आएंगे तो रूमरिंग्स कौन सा टाइटल जीतेंगे, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल या अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल। मुझे लगता है कि रूमरिंग्स को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहिए और रूमरिंग्स को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके मेरे पास तीन कारण है, तो वो तीनों कारण जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉडी रोड्स को WWE के आने वाले पेपर व्यू किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में कौन चैलेंज कर सकता है, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि रूमरिंग्स को रिटर्न आने के बाद कौन सा टाइटल जीतना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। सबसे पहले बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के बारे में। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल जीत जाते हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है तब रूमरिंग्स के लिए कुछ नया चैलेंजेस नहीं रहेगा, रूमरिंग्स के करियर में कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल जीतने के बाद रूमरिंग्स को स्मैकडाउन में ही रहना पड़ेगा और रूमरिंग्स के लिए स्मैकडाउन में कोई भी नया चैलेंजर बचा नहीं है जो रूमरिंग्स को चैलेंज करके रूमरिंग्स को हरा सकता है। मैं मानता हूं कि रूमरिंग्स का फ्यूड ब्लडलाइन के साथ होना बाकी है, लेकिन इस फ्यूड को टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्यूड बिना टाइटल के भी चल सकता है। तो इसलिए अगर रूमरिंग्स रिटर्न आते हैं और रूमरिंग्स अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल अगर जीतते भी, तो ये फैंस के लिए सरप्राइज की बात नहीं होगी और फैंस को ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रूमरिंग्स को अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल जीतना चाहिए, मुझे लगता है रूमरिंग्स को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहिए। ये है मेरा पहला कारण जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि रूमरिंग्स को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप नहीं। अब आइए बात करते हैं कि दूसरा कारण मेरे पास क्या है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि रूमरिंग्स को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहिए। दूसरा कारण यही है कि रूमरिंग्स अगर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतते हैं तो रूमरिंग्स को बहुत नए नए ओपोनेंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि डैमियन पेस, सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, जजमेंट डे की पूरी टीम भी रूमरिंग्स के पीछे जा सकती है और रॉ में जो नए नए सुपरस्टार आए हैं वो भी रूमरिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं, जिनके साथ रूमरिंग्स की स्टोरी लाइन काफी अच्छी जा सकती है। तो मुझे लगता है अगर रूमरिंग्स रिटर्न आते के साथ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अगर जीतते हैं तो ये रूमरिंग्स के करियर के लिए काफी अच्छा होगा और रूमरिंग्स को एक नई नई स्टोरी लाइन भी मिलेगी। तो ये मेरा दूसरा कारण है। अब आइए बात करते हैं तीसरा और आखिरी कारण के बारे में जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रूमरिंग्स को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहिए। तीसरा और आखिरी कारण मेरा ये है कि वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की वैल्यू WWE टाइटल से बहुत कम है। वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल WWE के टाइटल के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता, जबकि वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रॉ का मेन टाइटल है, उसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए, उसका भी एक पुश होना चाहिए। तो उसका पुश तब तक नहीं बन सकता जब तक रूमरिंग्स जैसा सुपरस्टार उस टाइटल को जीत ना ले, उस टाइटल की वैल्यू ना बढ़ा दे। अगर रूमरिंग्स आके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को जीतते हैं तो रूमरिंग्स वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या रूमरिंग्स को रिटर्न आके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतना चाहिए या फिर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।